पीएम नरेंद्र मोदी राजौरी के नौशहरा सेक्टर भर में सेना के जवानों से मनाएंगे दिवाली। राहुल गांधी का ट्वीट, किसान और बिजनेसमैन सभी भारत सरकार की खराब पॉलिसी के शिकार। अंत्योदय कार्ड धारकों को होली तक 35 किलो तक मिलेगा राशन। केंद्रीय जीएसटी मुआवजे में भारत केंद्र शासित राज्य सरकारों को 17,000 करोड़ रुपए के जारी किए। बालाकोट एयर स्ट्राइक के हीरो अभिनंदन वर्धमान का प्रमोशन, बने ग्रुप कैप्टन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। दीपावली पर अखिलेश यादव का चाचा शिवपाल को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। सपा सुप्रीमो ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में चाचा के दल साथ भी गठबंधन होगा, साथ ही में सभी छोटे और क्षेत्रीय दलों से गठबंधन करेंगे अखिलेश यादव। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में महंगाई से सब परेशान है, हर चीज महंगी है, किसान नौजवान सब परेशान है और किसानों को खाद तक नहीं दे पा रही है बीजेपी सरकार, बस सपा सरकार के काम का उद्घाटन कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लखीमपुर कांड पर बोलते हुए अखिलेश ने कहा कि मारे गए किसानों की याद में स्मृति दिवस मनाएगी सपा सरकार, हर सपा कार्यकर्ता मृतक किसानों की याद में एक दीपक जलाएगा। भारत के गृह मंत्री जी ने, भारत के गृह मंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने मंच पे नहीं देख पाए कि मंच पे कौन खड़ा है। वो लोग खड़े थे जिन पे आरोप है कि उन्होंने किसान के ऊपर टायरों से चढ़ा करके जान ले ली किसान की। और मुझे खुशी इस बात की कि आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं ने तय किया है कि आज एक दिया किसानों की याद में जलाया जाएगा। किसान स्मृति दिवस के रूप में आज किसानों के लिए एक दिया, उनकी याद में एक दिया समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जलाएंगे। और हम अपने इन कार्यकर्ताओं से निवेदन करेंगे, दिवाली जरूर मनाना लेकिन किसान जिनको मार दिया गया उनकी याद में भी एक दिया जला देना। भारत उन्नाव से सटे कानपुर में लगातार जीका वायरस मिलने के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सत्यप्रकाश ने जनपद में अलर्ट घोषित कर दिया है। सीएमओ ने बताया कि डेंगू की तरह ही जीका वायरस भी है, एचडी नाम से मच्छर के काटने से यह फैलता है। इसमें भी एक सप्ताह से अधिक समय तक बुखार आने पर जीका वायरस होने के लक्षण ज्यादा होते हैं, इसलिए बुखार आने पर उन्नाव के लोग तत्काल जांच कराएं। और इस वायरस का सबसे ज्यादा असर गर्भवती महिलाओं पर असर पड़ता है, महिलाओं के साथ शिशु में भी वायरस पहुंचने का डर बना रहता है। विगत दिनों में प्रदेश के कानपुर जनपद में जीका वायरस से कुछ केसेस निकले हैं, आज भी 25 केस नए केस निकले हैं। जीका वायरस भी एडीस मच्छर से काटने से ही होता है, जिससे आपका डेंगू चिकनगुनिया होता है। ये जीका वायरस में आमतौर पर जो लक्षण होते हैं बहुत ही मतलब बुखार, शरीर में दर्द, दाने, सर दर्द, जोड़ों में दर्द, आंखें लाल होना, ऐसे लक्षण होते हैं। मतलब कि बहुत ही गंभीर लक्षण इसमें कमी देखने मिलते हैं, बहुत से मरीजन लक्षण भी नहीं होंगे और बहुत ही कम व्यक्तियों में हालत बिगड़ने पर मतलब मृत्यु की आशंका उसमें बहुत ही कम है, ज़्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं और ये बीमारी लगभग एक हफ्ते। थाना पिनाहट के बगलाठार झोरियन में ट्रॉली का प्रेशर ठीक करते समय अचानक ट्रॉली के नीचे दबने से एक युवक घायल हो गया जबकि एक की मौत हो गई है। ट्रैक्टर ट्रॉली का प्रेशर खराब होने के पर ठीक रहते दोनों युवक प्रेशर चेक करते समय अचानक दोनों के ऊपर से गिरी ट्रॉली का में दबे हुए दोनों युवकों के ग्रामीणों ने बाहर निकाला, जहां एक की मौत हो गई है जबकि घायल युवक का इलाज कराया जा रहा है। वहीं दूसरे युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। थाना पिनाहट क्षेत्र के अंतर्गत बगुला की ठार के झेरिन का है ये मामला। अपना युवती सर के हम जो ट्रॉली बना रहे थे अपनी प्रेशर को, तो ट्रॉली का प्रेशर हमने चालू करके चेक किया, सही काम कर रहा था, उन्होंने खड़ा कर दिया। जब हमने बंद किया था वो, तो एकदम अचानक ही प्रेशर गिरा था, हम उत्तम सिंह नीचे दबा तो हम दोनों थे लेकिन उसकी वहीं पे मौके पे उसकी मौत हो गई थी।
और ये में कुछ लोगों के फोन चोरी तो कुछ के फोन खो गए हैं, जिसके लोगों ने शिकायत दर्ज करा रखी थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए सर्विस लान की टीम ने 52 फोन बरामद किए हैं, जिनकी कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही है। फोन बरामद करके सर्विस लान टीम और पुलिस अधीक्षक ने 52 लोगों को दीपावली और धनतेरस के तोहफा दिया है। ये देखिए, जनपदीय पुलिस की जो सर्विलांस सेल है उसके द्वारा एक सराहनीय कार्य करते हुए आज 52 लोगों के फ़ोन धनतेरस के शुभ अवसर पर उनको वापस दिलाए गए हैं। और ये कुछ लोग के फ़ोन जो चोरी हो गए थे या कहीं छूट गए थे, पिछले एक साल से वो लोग इधर उधर भाग रहे थे, तो आज दिवाली और धनतेरस एक ऐसा अवसर बन के आया है उनके जीवन में, जो उनको पुराने खोए हुए फ़ोन वापस मिले हैं। और ये करीबन खबर रायबरेली से है, जहां जिले की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, जिसके कारण उमरावगंज मजरे जियोना गांव में एक ही परिवार के 4 सगे भाइयों के घर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। नकदी समेत लाखों के जेवरात लेकर चोर फरार हो गए हैं। सर, हम फैमिली हमारी बाहर वाले रूम में सो रही थी और चोर ऊपर से आकर के घर के अंदर से जो भी सामान था, जेवरात और कपड़े गहने, ये सब सारा उठा ले गए और चार चार कमरों के ताले तोड़ दिए। मैनपुरी में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये रायगिरों से लूटपाट करते थे और मोटरसाइकिल लूट कर भाग जाते थे। कुछ दिन पहले चोर गैंग ने एक राहगीर से मोटरसाइकिल लूटी थी, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने गिरफ्तार करने वाली टीम को 10,000 का पुरस्कार देने की घोषणा की है। को भुसमरा चौकी क्षेत्र में सवेरे सवेरे एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग सूचना मिली थी कि नीरज कुमार, जो किसनी क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनकी बाइक कुछ बदमाशों ने लूट ली है। कुछ कपड़े थे और एक मोबाइल भी गया। तो जैसे ही सूचना मिली, तत्काल फिर PRP और अधिकारी, लोकल पुलिस सभी मौके पर दौड़े। हमारी सर्विलांस और स्क्वाड की टीम भी तत्काल मौके पहुँची और पूरी सीरियसनेस के साथ इस पर काम हुआ। और उसमें टावर डंप एनालिसिस सारी चीज़ों के आधार पर इसमें 3 बदमाश जो कि आप देख रहे हैं प्रकाश में आए हैं। इसमें सनोज जाटव है, ये फरुखाबाद कराने वाला है। दूसरा प्रवीण कुमार है, ये यही कोतवाली मैनपुरी का है। और तीसरा ओसाफ अली, ये एटा कराने वाला है। सब तीनों की लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री है और इन लोगों ने इस तरह से घटना। और अब नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने तहसील के निकट धरना प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर पांडे के नेतृत्व में 12 से अधिक कार्यकर्ताओं ने तहसील के निकट धरना प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा है। इस दौरान आपके वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर पांडे ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से देवस्थान बोर्ड से भंग करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो उत्तराखंड के तीर्थ पुरोहित भुखमरी की कगार पर आ जाएंगे। वहीं पर्यटकों को भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जिसको लेकर तीर्थ पुरोहित प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे हैं। वहीं भाजपा ने पहले ही 3 कृषि कानून लागू करके किसानों और आम जनता को परेशान कर दिया है। साथ ही दिन प्रतिदिन महंगाई भी बढ़ती जा रही है, लेकिन ये भाजपा की डबल इंजन सरकार की पूरी तरह तानाशाही पर उतर आई है, जिसका आम आदमी पार्टी पुरजोर विरोध कर रही है। कि जब से हमारी भाजपा सरकार आई है, तब से देश में त्राईसी बजी है। आप देखिए, रोजगार बेरोजगारी की कितनी सीमा को हो गई है, व्यवसाय खत्म हो गया है। उसी प्रकार अब इनके बच्चे खुचा जो हमारा उत्तराखंड में परंपरागत रूप से जो रीति रिवाज से जो पूजा पाठ करते थे, पंडा और उनके पुरोहितों का जो है मारा जा रहा है। वहाँ पर एक बोर्ड देवासन नाम बोर्ड नाम से गठित करके और उसको जो है भंग किया जा रहा है। उनकी द्वारा जो किया गया, मतलब जो कार्य किया जा रहा है, उसमें खलल की जा रही है, जिससे तीर्थ पुरोहित आज हमारे भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। और उसके साथ साथ पर्यटक भी परेशान हैं और पूरा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जो हमारा ये देवभूमि है, देवभूमि इस प्रकार की वो करके भाजपा ने तमाम वो लगा के काले कानून को बना के काला एक्ट बना। जन समस्याओं के निस्तारण को लेकर तहसील घुमाकोट में प्रभारी जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी गढ़वाल प्रशांत कुमार आर्य की अध्यक्षता में तहसील दिवस आयोजित किया गया। तहसील दिवस में क्षेत्रीय विधायक महंत दिलीप सिंह रावत ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं।
तहसील दिवस में 13 शिकायतें दर्ज की गईं। इसके अलावा कुछ मौखिक शिकायतें भी थी। जिन अधिकार शिकायतों का लोक निर्माण विभाग, विद्युत, जल संस्थान आदि विभागें थी। तहसील दिवस में लोक निर्माण विभाग, वन भूमि संरक्षण तथा विद्युत विभाग के अधिकारी की अनुपस्थिति रहने पर मुख्य विकास अधिकारी ने नाराजगी जाहिर करते हुए उप जिलाधिकारी को संबोधित का स्पष्टीकरण देते हुए निर्देश दिए। चंपावत में साक्षर भारत मिशन के कार्यरत शिक्षा प्रेरकों ने इस अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान कर दिया है। धरने को लेकर कहा जा रहा है कि 8 साल तक 2000 रुपए में ड्यूटी कराने के बाद उन्हें निकाल दिया गया। साक्षर भारत मिशन में कार्यरत शिक्षा प्रेरकों को, जिन्होंने असाक्षरों को साक्षर करने में अहम भूमिका निभाई और जन धन खाते खोलने का कार्य कराया गया और BLO का कार्य कराया गया। 2018 में शिक्षा प्रेरकों को निकाल दिया गया। तब से बेरोजगार रहे शिक्षा प्रेरकों की सुधि किसी भी सरकार ने नहीं ली। बेरोजगार शिक्षा प्रेरक कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं और प्रेरकों का कहना है कि उनको झूठे आश्वासन मिल रहे हैं। बेरोजगार शिक्षक प्रेरकों को कहना है कि अगर 7 तारीख तक प्रदेश सरकार अगर समायोजन का कोई ठोस आश्वासन नहीं देती है तो 8 नवम्बर को मुख्यमंत्री आवास के कूच के साथ अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। उत्तराखंड में रुड़की की छात्रा आसमा खान ने नीट की परीक्षा में टॉप किया है। आसमा ने टॉप करने पर कहा कि आज इतना खुश हूं कि मेरा परिवार और मेरे रिश्तेदार आज मुझसे बहुत खुश है। मैंने जो नीट की परीक्षा टॉप किया है और उन्होंने कहा कि मुझे यहां तक पहुंचने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। आसमा खान ने कहा कि इतनी मेहनत और समर्पण करने के बाद आप युवाओं को संदेश देना चाहती हूँ जो तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी करने की सोच रहे हैं, सभी अपनी तैयारी को लगनता के साथ करें। मनोज सादरा जी आपके साथ आज पहुंचे हैं रुड़की में, जो उत्तराखंड में पूरे टॉपर आई है उनसे बात करें आसमा जी से आज। जी बताइए। हेलो, हाय। जो आप उत्तराखंड में टॉपर आई है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मतलब कहते हैं ना, मैं 7th क्लाउड पर हूँ इस वक्त, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और अब जो मेरा टारगेट था वो मुझे अचीव हो गया है और वो मुझे मिलने वाला है। तो मतलब बस अब मैं तो इसी इन्हीं ख्वाबों में हूँ कि हाँ, अब अपने चाहत के कॉलेज में जाएंगे और वहाँ इतनी मस्ती होगी, इतनी पढ़ाई होगी, यू नो, आप सेकेंड गॉड कहलाने के फर्स्ट स्टेप पर चढ़ चुके हैं। तो एक बहुत ही अलग लेवल की खुशी है मुझे इस वक्त। तो आपको, जैसे आपने ये परीक्षा दी, इसमें काफ़ी समस्या का सामना भी करना पड़ा होगा और काफ़ी कुछ त्यागना पड़ा होगा, तो उसके बारे में बताइए। तो अगर मैं समस्या की बात करूँ तो जैसे कि कोविड था, तो जब सेकेंड वेव आई थी तो मतलब इतने रिश्तेदारों का भी इंतकाल हुआ, मतलब सभी, बहुत सारी डिमाइसेज हुई सभी के, मतलब आई थिंक नोन लोग, आपके भी बहुत सारे नोन लोग का डिमाइस हुआ होगा। तो वो जब, मतलब मैं थोड़ी एम्पथेटिक काइंड ऑफ पर्सन हूँ, मुझे ज़्यादा फील होता है किसी का भी दुख, तो वो सब चीज़ें मुझे बहुत डिस्टर्ब करती थी मेरी पढ़ाई के लिए कि ये क्यों हो रहा है। और मुझे लगता था मैं इसमें कुछ हेल्प कर सकूँ और मैंने एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट भी करी थी कॉन्फिडेंट नाम से, जिसमें मैं, मतलब लोग हमसे आके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके। तो ये सब चीज़ें पढ़ाई के लिए थोड़ी समस्या ही थी एक तरीके से, और बहुत दुख भरा टाइम था। बहुत मेंटली परेशान भी मैं रहती थी कि ये क्यों हो रहा है, ठीक हो जाए सब, मतलब माँ बाप के लिए चिंतित रहती थी कि उन्हें ना कुछ हो जाए कोविड। बट फिर उसके बाद समझा कि नहीं, पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, तो उस सब से अपने आप को संभाल संभाल के जो पढ़ा वो एक बहुत मुश्किल फेज था। फिर उसके बाद जो चीज़ें त्यागी वो तो यही कि रिश्तेदार, पार्टी, फंक्शंस, शादी ब्याह सब बंद था इस टाइम के लिए। मतलब रिश्तेदारों के यहाँ, जैसे हमारे रिश्तेदार दूसरे शहर में रहते हैं तो वहाँ मैं गई ही नहीं हूँ, मतलब अभी 1-2 साल तो मैं गई ही नहीं हूँ वहाँ। तो वो सब चीज़ें त्यागी और अपनी हॉबीज़ त्यागी, खेलना कूदना मुझे बहुत पसंद है, अभी इस टाइम पर कम से कम रखा, तो ये सब कुछ त्यागना पड़ा। तो जैसे आप उत्तराखंड में टॉपर आई हैं, उसके बारे में आपके घर में खुशी का माहौल है, और आप युवाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरे घर में जैसे खुशी का माहौल है, तो मैं ये कहना चाहूँगी सभी युवाओं को कि भाई, मतलब मुझे लगता है कि इस दुनिया में आप सबसे ज़्यादा खुश तब होते हो जब आपको पता हो कि आपके माँ बाप आपकी वजह से प्राउड फील कर रहे हैं, आपके माँ बाप आपकी वजह से खुश है। तो मैं सभी युवाओं को ये कहना चाहूँगी कि देखो यार, 1-2 साल की मेहनत है ना, 1-2 साल की मुश्किल है, और उसके बाद इतनी खुशी, इतनी खुशी, मतलब मुझे लगता है कि, मतलब कितनी भी मेहनत कर लो ना, वो कम ही पड़ेगी इस खुशी के कंपैरिजन में।
खबर ऋषिकेश से है, जहां दीपावली के त्योहार के चलते वन्य जीव तस्कर सक्रिय हो जाते हैं, जिनके कारनामों पर पानी फिरने के लिए पार्क प्रशासन ने दो विशेष टीम गठित कर दी है। बनाई गई दोनों टीमें गहरी रेंज के चप्पे चप्पे पर गश्त करते हुए अपनी नजरें गड़ा बैठी हैं, ताकि वन्य जीव तस्कर किसी भी तरह की तस्करी न कर पाए। दीपावली के त्योहार के मद्देनजर वन्य जीव तस्कर काफी सक्रिय हो जाते हैं, जिसको देखते हुए राजा जी पार्क प्रशासन की ओर से दो विशेष टीमें बनाई गई हैं। प्रत्येक टीम में 5 सदस्य नामित किए गए हैं, साथ ही टीम के सदस्यों को राइफल सुरक्षा हथियार उपलब्ध भी कराए गए हैं। दोनों टीमें गौरी रेंज में चप्पे चप्पे पर गहरी नजर बनाए हुए हैं। खास बात तो यह है कि आदेशों के अनुसार त्योहारों के चलते कर्मचारियों को छुट्टी न लेने की भी हिदायत दी गई है। हमारी गौरी रेंज में दो टीमें बनाई गई हैं, उन टीमों के टीम लीडर वगैरह हैं। ऑलरेडी दो गाड़ियां हमारे पास हैं, स्टाफ को सचेत कराया गया है। रात्रि में भी गश्त जारी है, और ये नीलकंठ रोड हो गई हमारी, और 84 कुटिया इधर पर्याप्त स्टाफ है। स्टाफ को छुट्टी वुट्टी कहीं बिल्कुल मना कराया गया, एमरजेंसी में छुट्टियाँ दी जाएंगी, बाकी व्यवस्था ठीक है, रेंज का पूरा कंट्रोल है ठीक ठाक। अच्छा, पार्क दिक्कत क्या आती है, हमारे एक्चुअली 34-35 गाँव भी हैं रेंज में, गाँव की समस्या है। फिर रोड ये घट्टूवार 30-35 किलोमीटर रोड हो गई, उधर चीला रोड वगैरह हो गई। प्राइम टीवी की खास खबरों में बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।